जनतंत्र की रक्षा करने की जगह आज यूएपीए हो या सेडिशन केस हो या एक्ट हो, जितने भी जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दो। और ये ऐसे कानून है जिसके ऊपर आपको जमानत भी नहीं मिलती। नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जहां दो साल बाद एक बार फिर बाबा साहब की जयंती के दिन पर लोग, दलित संगठन और मास ऑर्गेनाइजेशन कई सारे, जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर यहां उनके जन्म 131वें जन्म उत्सव को मनाने के लिए आए हुए हैं, साथ साथ अपने विचारों और देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है और संविधान के खिलाफ जिस तरह से चीज़ें रखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, उनके खिलाफ यहाँ आए लोगों का क्या विचार है और बाबा साहब के आज के समय में विचारों की क्या प्रासंगिकता है, उसका लेकर बात करके उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब के विचार जो है वो प्रासंगिक हैं और बाबा साहब की वाणी जो है वो जन जन तक पहुँचनी चाहिए, मगर जो सरकार चल रही है इस समय पर इस देश के अंदर, वो हमेशा बाबा साहब की वाणी को दबा करके रखना चाहती है। और उनकी विचारधारा यही है कि गले में माला और विचारों पर ताला। आप जानते हैं इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, और इस शिक्षा व्यवस्था में कक्षा एक से लेकर के बारहवीं तक हमारे बाबा साहब को, हमारे महापुरुषों को, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे पेरियार नलई सिंह यादव हों, चाहे नारायण गुरु हों, संत तुकाराम जी हों, घासीदास जी हों, चाहे कोई भी महापुरुष हों हमारे, चाहे रविदास जी हों, कबीरदास जी हों, नानक जी हैं, उनको इतना नहीं पढ़ाया जाता। एक और दूसरी तरफ एक यूपी में कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक एक पुस्तक लगी हुई है, हमारे पूर्वज। उस हमारे पूर्वज में एक भी हमारा पूर्वज नहीं पढ़ाया जाता, भारत का मूल निवासी जो पूर्वज है एक भी नहीं पढ़ाया जाता। कौन कौन पढ़ाए जाते हैं? दधीची, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कुंती, नकुल, सहदेव, पांडव, श्रीराम, इनको पढ़ाया जाता है। जब ऐसे लोगों को पढ़ाया जाएगा जिनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है और जिन महापुरुषों ने इस देश को बनाने में कार्य किया है, उनके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से समाज जागृत होगा? बाबा साहब के जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं। और बाबा साहब ही नहीं, बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले हुए, उन्होंने जो एक परंपरा चलाई, लंबी परंपरा चलाई, उस पूरे इतिहास को देश के सामने आने नहीं दिया जाता। जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, और कॉलेजियम सिस्टम भी छोड़ दिया उन्होंने, परसेंटाइल सिस्टम हो गया। अब कुछ घराने हैं इस देश के अंदर, 226 घराने हैं, उन 226 घरानों ने पूरे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को कंट्रोल कर रखा, बस उन्हीं के भैया भतीजे आते हैं। बाकी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे उन्हीं के लोग जा जा करके काबिज हो रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी यूपीएससी है, यूपीएससी क्या करती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस को सेलेक्ट करती है, उसमें भी उन्होंने बायलेटरल एंट्री दे दी है, बगैर एग्जाम के सीधा ज्वाइंट कमिश्नर तक की भर्ती वो कर रहे हैं। और जब ज्वाइंट कमिश्नर की भर्ती कर रहे हैं तो जो सीधा आईएएस आईपीएस आता है कंपटीशन से, उसको 10 साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। जब सीधा ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक पे आकर के बंदा बैठेगा तो क्या करेगा, वो पहुंचेगा सेक्रेटरी लेवल तक, भारत सरकार का सचिव और जितनी भी गवर्नमेंट है उनके सबके सचिव वो बनेंगे, बाकी जो आदमी सीधा कंपटीशन करके आएगा वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इनकी और जिनको ये बायलेटरल एंट्री से लेकर के आ रहे हैं वही देश को चलाएंगे, और वो जब देश को चलाएंगे तो वो अपनी विचारधारा को थोपेंगे, और वो विचारधारा उन्होंने शुरू कर दी है। रिपब्लिकन ऑफ वर्ल्ड, वो थॉट आज से 70 साल पहले भी और आगे आने वाले हजारों साल तक प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि जो जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब एक नई शक्ति जन्म लेती है और उस अत्याचार का मुकाबला करती है और उस विचारधारा को ख़त्म कर देती है जो विचारधारा अत्याचारी है। दूसरी बात, जिस प्रकार 70 सालों में बाबा साहब ने हमको जो एक आज़ादी का बीज रोप कर दिया संविधान के रूप में, हमने उसकी कदर नहीं की और उसी का परिणाम है हम अपनी वोट की जो ताकत हमें देके गए बाबा साहब, उस वोट की ताकत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे और छोटे छोटे हम टुकड़ों में बट करके अपनी वोट को क्रॉस कर देते हैं अपने खिलाफ वालों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा ओबीसी समाज है जिसको हम 52% कहते हैं,
वो ओबीसी समाज अपने उस दुश्मन को ताकत देता है जो उसके आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, जो उनकी आज़ादी को ख़त्म कर रहा है, जो भारत को ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है। अगर ओबीसी समाज अपनी इस गलती को सुधार ले, अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटी के साथ जुड़ जाए, तो सत्ता में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता और मनुवादी शक्तियाँ कभी भी सत्ता में आएंगी नहीं, क्योंकि वो आज हमारे संविधान से ही हम पर वार कर रहे हैं। अभी सुब्रमण्य स्वामी जी का एक बयान आया था और उस बयान में स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम संविधान को नहीं हटाएंगे, हम आरक्षण को नहीं हटाएंगे, लेकिन हम एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा, और वो रणनीति है उनकी प्राइवेटाइजेशन, और उसको वो प्राइवेट धन्ना सेठों को बेच करके, और जो सार्वजनिक संपत्तियाँ जो हमारे बुजुर्गों ने उन्होंने जो 70 साल की मेहनत के बाद बनाया था, संविधान के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो बनाया था, उन्होंने धीरे धीरे उसको 80% तक बेच दिया है, 20% मात्र बचा है, और उनका जो दूसरा जो वार है वो किसान पर जो है वार है, और किसान की वो ज़मीन को छीन करके वो भी पूंजीपतियों के हाथ में इसलिए देना चाहते हैं ताकि किसान मजदूर दलित शोषित माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड बिल्कुल उनका जो गुलाम बन जाए, मानसिक गुलाम बन जाए। ये आज के समय में सारे ग्रुप्स का सारे संगठन सारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका एक साथ आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज ये एक ग्रुप पे हमला कर रहे हैं, कल को हर एक माइनॉरिटी पे, हर कास्ट पे, आज इनका मुद्दा धर्म है, कल इनका मुद्दा जाति होगा, सब एक एक करके हर किसी को टारगेट बनाया जाएगा, और ये समय ही है जब सारे समाज के पिछड़े दल कहते हैं जिसे, सब एक साथ एकजुट होकर संघर्ष करें, अपने हकों के लिए लड़ें। पहले के वर्ग विशेष का कब्जा था, अब समाज के लोग पढ़ लिख के आने लगे, अपने अधिकार की बात करते हैं, चाहे कोई भी सरकार, वो चाहती है कि लोगों का पढ़ लिख के आएंगे तो नौकरी मांगेंगे, जॉब्स मांगेंगे, है नहीं तो उनको पढ़ने लिखने से ही रोक दे। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिस तरीके से चल रहा है चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर कुठाराघात कर रहा है, और उसके समाज के उस हिस्से को पीछे लाने की कोई साजिश है जो किसी तरह आगे बढ़ चुका है, पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को जान चुका है। आज मोदी सरकार संविधान पे हमले कर रही है, तमाम जो जिस तरीके से दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात कर रही है ये मोदी की सरकार, हम इसके खिलाफ हैं। और बाबा साहब ने, आपको जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सबसे तीखी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उनके जो उन्होंने संविधान में जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की है, आज हम उनको याद करते हुए और बाबा साहब को याद करते हुए उनके जो संघर्ष हैं उनको हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और जो देश के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार ने चारों तरफ हमले कर रखे हैं, आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जो रामनवमी के दिन किस तरीके से मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया है, उनके ऊपर उनकी जो रेहड़ी, जो गरीब मजदूर किसान जो रेहड़ी लगाता है उसकी रेहड़ी को कैसे तोड़ा गया है, तो आज देश के अंदर कैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालातों के खिलाफ हम सब लड़ने के लिए एक हैं। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का यही सपना था कि सब आपस में मिलजुल कर रहें, और वही हम लोग आगे चलेंगे।